नमस्कार, मैं हूँ आपके सामने काजल पांडे और आप देख रहे हैं सर्कल न्यूज़। और आज हम मौजूद हैं इटावा की मार्केट में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आज करवा चौथ का त्यौहार है और महिलाओं में इस त्यौहार को लेकर बहुत खुशी देखी जा रही है। महिलाओं में उत्साह देखा जा रहा है और काफ़ी तैयारियाँ कर रही हैं, हाथों में भरे भरे हाथों में मेहंदियाँ लगवा रही हैं, तो कहीं साड़ियाँ खरीद रही हैं, बहुत सारी तैयारियाँ कर रही हैं। और वैसे कि देखिए, आप यहाँ पर आज हम मौजूद इधर दुकानों पर पहुँच चुके हैं, मेहंदी की दुकान पर महिलाएँ बैठ कर मेहंदी लगवा रही हैं। और चलिए जानते हैं इन महिलाओं से कि क्या कुछ तैयारियां कर रही हैं, कितनी प्रसन्नता है इन्हें करवा चौथ को लेकर। आप हमें बता सकते हैं कि आप आज करवा चौथ है, आपने क्या क्या तैयारियां की हुई हैं और आप यहाँ मेहंदी लगवाने आई हैं? मैंने कपड़े से लेकर मेहंदी तक सब नया है, सब मैंने न्यू लेती हूँ हमेशा करवा चौथ पे। इसी तरीके से पूरी उसी तरीके से आप तैयारी कर रही हैं यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे फर्स्ट साल होता है ऐसे हर साल होता है। तो मतलब कि आज आप व्रत हैं तो आपने पानी वानी नहीं पिया होगा, तो प्यास व्यास नहीं लग रही है आपको? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ओके। और तो क्या तैयारी, कुछ गिफ्ट वगैरह मिल रहा है आपको करवा चौथ पर? क्या गिफ्ट मिल रहा है? सेल फोन। अच्छा, तो मतलब ये है कि आज करवा चौथ वाले दिन आप अपने हस्बैंड को पूरी तरीके से अच्छे से कसर निकाल लेंगे पूरा, और क्या, एक साल की पूरी कसर निकलेगी यार। एक साल की पूरी कसर निकलेगी, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, पूरी साल भर की कसर निकाल रही है, सेल फोन ले लिया है पति से, पूरी कसर निकाल रही है साल भर की जितनी भी कसर रहती है कि भाई नहीं, आज तो मेरा हक है और आज मुझे ये चाहिए। और वैसे ही उन्होंने बहुत खुशी भी देखी जा रही है, इनके चेहरे पे अलग ही खुशी होती है आज के दिन की। भले ही पूरे दिन से सुबह से प्यासी रहती हैं, लेकिन इनके चेहरे पे जरा सी शिकस्त तक नहीं आती। अब इनसे तो बात कर ली, अब इनसे बात करते हैं। ये तो मेहंदी लगवा चुके हैं और बिल्कुल मेहंदी लगवा कर पूरे हाथों में भरी भरी हाथों में लगवा कर बैठी हुई हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। आपका कैसा लग रहा है आपको इतनी भरी भरी हाथों में? आज करवा चौथ है, अपने पति के लिए व्रत रख रही हैं आप। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, ओके। तो क्या क्या तैयारी कर ली है आपने? बाकी जो सब तैयारियाँ कर लो, वैसे सब मैंने सारी तैयारियाँ कर ली हैं। अच्छा, तो घर में पूरा काम धंधा छोड़ कर या मेहंदी वहंदी, क्योंकि खुशी अलग होती है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस चीज़ को लेकर? अलग ही खुशी होती है जी, साल भर का त्यौहार खुशी ही अलग होती है। कौन सी शादी की साल ये है? चार साल हो गए आपकी शादी को? अच्छा, तो हर चार साल पूरी जैसे पहले मनाती थी, बिल्कुल वैसे ही करवा चौथ का पूरा वो है? चलिए ठीक है। तो देखिए, जैसे इनसे भी हमने बात करी, मेहंदी लगवा ली, भरे भरे हाथों में बड़ी प्रसन्न दिख रही हैं, चेहरे पर अलग ही खुशी है। तो ये एक अलग ही प्रसन्नता होती है चेहरे पर, चाहे चार साल हो जाएं, दस साल हो जाएं या पचास साल हो जाएं शादी की सालगिरह चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन प्रसन्नता उतनी ही रहती है जैसे कि आज पहली शादी की साल। चलिए अब दुकानदार से ही बात करते हैं जो मेहंदी लगाते हैं यहाँ पर, उनका क्या कुछ कहना है? आप हमें बताइए, यहाँ पर कितने महिलाओं में बहुत ज़्यादा क्रेज़ देखा जाता है, तो महिलाएं बहुत आती हैं, भीड़ लगी रहती होगी आपकी दुकानों पर? लगी रहती है भीड़ से। थोड़ा तेज़ बोलिए आप, सुनाई नहीं दे रहा। लगी रहती है भीड़, तो काफ़ी लगी रहती है। तो वैसे ये मेहंदी वहंदी महिलाएं लगाने आती है, तो इससे कितनी क्या आपका निकल जाता है आमदनी? हो जाती है, ओके। तो ये कुछ इस साल कुछ अलग देखा जा रहा है, जैसे हर साल महिलाएं कभी ज़्यादा आती हैं कभी कम आती हैं, तो इस साल कुछ आपको अंतर देखने को मिल रहा है इसमें? हाँ, कम आई है इस साल कम आई है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, कुछ पता है? अभी ये जानकारी नहीं है। अच्छा ठीक है। तो वैसे मतलब, तो कितना रुपए एक हाथ का आप कितने रुपए लेते हैं? 100 रुपए। एक हाथ का कितना? 100 रुपए। 100 एक हाथ का, 100 रुपए दोनों हाथ का, 200 रुपए। मतलब अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं आप करवा चौथ पर, अच्छे खासे। ये अपने हस्बैंड को रूट दिए, तो आप इन लोगों के अच्छे कमाई कर लेते हैं जी। बिल्कुल सही, तो देखा आपने, पत्नी अपने हस्बैंड को लूट कर घर पर आती हैं कि भाई मुझे मेहंदी लगवानी, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना, मुझे वहीं इन लोगों की, दुकानदारों के भी अलग ही मजे होते हैं करवा चौथ वाले दिन। भाई एक हाथ के 100-100 रुपए, 200 रुपए, मतलब कि अब दिन भर में कितनी औरतें आती होंगी, महिलाएं आती होंगी, तो बहुत अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। खैर, इस बात से ये तो पता चलता है कि करवा चौथ का क्रेज़ अलग ही है, फिर चाहे वो दुकानदारों के लिए अच्छा ही हो या फिर महिलाओं के लिए, बात अलग ही रहती है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सर्कल न्यूज़।